तो उस वीडियो में हमने बताया था कि आपको यहाँ पर हम एक स्कैनर देने वाले हैं, तो वो स्कैनर आपको यहाँ पर हमारी टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आज हम उसी स्कैनर के यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि आप उस स्कैनर को कैसे 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर स्कैनर पे आ चुके हैं, उसकी कंडीशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट क्लोज जो है वो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से अगर कोई पोजीशंस यहाँ पर बन रही होगी, तब आपको यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज जब ब्रेकआउट हो रहा होगा, तब आपको यहाँ पर ये स्टॉक्स, ये वाले जो स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस स्कैनर में। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन जो है वो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद के अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर लेटेस्ट क्लोज जो है वो यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे कि 6 EMA सेटअप में यहाँ पर बताया था कि हम यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर EMA यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर लिया गया है। और उसके बाद की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज हम कंडीशन वो यहाँ पर हमने ऐसे ही यहाँ पर सेट की है कि जब प्राइस यहाँ पर सभी EMA के ऊपर होगा और जब यहाँ पर ब्रेकआउट होने ही वाला होगा, तब आपको ये स्कैनर आपको ये स्टॉक फाइंड करके देगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि लेटेस्ट क्लोज जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद 40 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। यानी कि आपको कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी जब इसकी क्लोजिंग यहाँ पर सभी EMA और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पर क्लोजिंग होगी, तभी ये स्टॉक्स आपको फाइंड करके देगा ये स्कैनर। और आप यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट्स यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इस स्कैनर के हिसाब से। तो यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की आपको देखने की मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर स्कैन करते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई स्टॉक जो है वो स्कैनर में स्कैन होकर नहीं आया है, लेकिन हम इसके बैक टेस्टेड डेटा जो है वो अभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों के डेटा भी आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर बैक टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स जो है आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यहाँ पर हम किसी भी रैंडम डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 6 सितंबर को यहाँ पर ये स्टॉक्स जो है वो आए हुए थे। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स जो है हमने यहाँ पर कॉपी कर ली है। तो इसकी कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं कि मैच हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर विपुल आता है। तो विपुल में आप देख सकते हैं कि ये 6 सितंबर को आया हुआ स्टॉक है। तो हम यहाँ पर 6 सितंबर की यहाँ पर कंडीशंस चेक कर लेते हैं। तो 6 सितंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस की जो क्लोजिंग है वो सभी EMA के ऊपर है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ पर रेड कैंडल है, यानी कि इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ होगी। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल है तो वो भी यहाँ पर आपको इसी प्रकार की यहाँ पर कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने से पहले ही ये स्टॉक आपको यहाँ पर इस स्कैनर में देखने को मिल गया था। और उसके बाद यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एग्जिट के लिए आप 20 मूविंग एवरेज या फिर 10 मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से यहाँ पर आप कहीं पर भी जब आपको लगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा हो चुका है तब आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। 4 से 5% के अगर आपको यहाँ पर गेन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तब आप यहाँ पर 50% क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं और बाकी को यहाँ पर ट्रेलिंग के लिए रख सकते हैं। जब यहाँ पर 10 मूविंग एवरेज या फिर 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तब आप यहाँ पर इसे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोनेट आता है। तो पेट्रोनेट भी यहाँ पर 6 सितंबर को आया हुआ स्टॉक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही थी और इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और इसके बाद यहाँ पर फिर से प्राइस यहाँ पर रिवर्स कर गई है। वहाँ तक भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर धनी आता है। तो धनी में आप देख सकते हैं, तो धनी में यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो 100 EMA के ऊपर हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और इसके बाद यहाँ पर डाउन मोमेंटम में यहाँ पर स्टॉक आ चुका था। तो आपको यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है वो भी यहाँ पर आप पिक कर सकते हैं।
तो उसके हिसाब से भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर दूसरे किसी रैंडम स्टॉक को यहाँ पर पिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी यूनियन बैंक जो है वो यहाँ पर 1 सितंबर को आया हुआ स्टॉक है। तो 1 सितंबर में आप देख सकते हैं, सितंबर में आया था, लेकिन प्राइस यहाँ पर जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाई थी, और उसके बाद यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट होने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं होता है, तब आप इसे यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे एक राउंड बॉटम के बाद यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी हायर प्रोबेबिलिटीज बनती है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 1 सितंबर को आया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न होने के बाद यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग की है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर मार्केट में कोई बड़ा फॉल आएगा, तब आप यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जब यहाँ पर निफ्टी में कोई बड़ा फॉल आएगा, तब आप यहाँ पर भी आप स्कैन करके काफ़ी अच्छे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के पहले पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा स्टॉक्स आए, तो आप यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज की जो कंडीशन है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्राइजेस के ऊपर यहाँ पर स्टॉक मिलेंगे, वही आपको देखने को मिलेंगे, और वो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा होंगे। तो आप अगर यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो इसे डिसेबल करेंगे, तब आपको यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर जो होते हैं वो यहाँ पर यही गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पर हाई पे यहाँ पर बाई करते हैं, और जब यहाँ पर मार्केट जो है वो करेक्ट होता है या फिर यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, तब यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे वो यहाँ पर जो स्टॉक यहाँ पर डीप से ऊपर उठ रहे होंगे वही स्टॉक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कई बार आपको यहाँ पर जो है, अगर ऐसी कंडीशंस जो है मैच हो जाती है, और अगर आपको कोई ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है जहाँ पर प्राइस जो है कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो है एक डाउन मोमेंटम के बाद यहाँ पर आई है, तब आपको यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जो है वो अवॉइड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जब यहाँ पर प्राइस जो है आती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है नीचे की तरफ मोमेंटम कर जाती है। आपको देखना है कि कितने समय के बाद यहाँ पर जो है वो मोमेंटम हुई है। अगर यहाँ पर काफ़ी समय के बाद यहाँ पर अगर मोमेंटम हो रही होगी, तब आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्कैनर की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं।